हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज अरे टेक न्यूज नंबर 114 बढ़िया बढ़िया खबरें आई हैं देश दुनिया की टेक इंडस्ट्री से। उससे पहले अपनी कल की अगर आपने टेक न्यूज नहीं देखी, संडे टेक न्यूज, वो जरूर देखिए। आज बहुत वो वाली आज की टेक न्यूज में लोग यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज। तो पहली टेक न्यूज की बात की जाए तो जो मुझे पसंद नहीं है, यूट्यूब में भाई अब कर दिया है कि जो अगर मोबाइल से यूट्यूब वीडियोस देखते हैं तो सिर्फ 480p पे देख सकते हैं, और मगर अगर आप कंप्यूटर पे देखते तो ठीक है। मगर भाई कहाँ हम 1080p पे देखते थे, 480p तो क्वालिटी बहुत डाउन हो जाएगी। और मेरे हिसाब से अगर मैं अपने ही स्टैटिक्स देखता हूँ तो मेरे मोस्टली फॉलोअर्स मोबाइल से ही मेरी वीडियोस देखते हैं। तो मेरे को ये स्टेप बहुत ही बेकार लगा, पता नहीं क्यों किया है यूट्यूब ने। भाई हमारे पास तो जियो है जो हम एक एक दिन में हम 1-1 GB 2-2 GB यूज़ कर सकते हैं, मगर रियली डीमोटिवेटिंग और डिग्रेडेड स्टेप बाय यूट्यूब। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो OnePlus 8 सीरीज ऑफिशियली अनाउंस हो गई है, 14 अप्रैल को ये आएंगी इंडिया में। रात को 8:30 बजे ऑनलाइन इवेंट होगा इनका, वो होगा और ये फोन लॉन्च होगा। OnePlus 8 एंड OnePlus 8 Pro लॉन्च होगा। OnePlus 8 Lite थोड़ा लेट आएगा, देखते हैं कब तक ये फोन आता है। नेक्स्ट न्यूज की बात की जाए तो आ रही है Titanium 8848, ये M66 फोन लॉन्च हो गया है जिसमें स्नैपड्रैगन 865 मिलता है। प्राइस इसकी सुन के मैं हिल गया। ये अबाउट 13,000 yuan से शुरू होता है और ये 30,000 yuan तक, मतलब ये अबाउट 1,30,000 से प्लस से शुरू होता है और प्लस 3 लाख से ऊपर जाता है। फ़ोन के प्राइस में मतलब 11 मॉडल्स मिलेंगे इस प्राइस रेंज में, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये एक प्रीमियम क्वालिटी का फ़ोन माना जाता है चाइना में। पता नहीं कौन लेता है, मुझे कुछ प्रीमियम लगा नहीं, मगर भाई कंपनी यूज़ करती है। तो भाई देखते हैं कोई अगर लेता है या नहीं लेता। कोशिश करूँगा अगर इसका हैंड्स ऑन देने की, कहीं ना कहीं इसका शोरूम मिल गया क्योंकि इतना हाईफाई ब्रांड रखा है तो शायद कुछ बढ़िया मिल जाए। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जो सैमसंग गैलेक्सी M11, इसकी कुछ कह रहे हैं नेक्स्ट वीक लॉन्च हो जाएगा और इसकी कुछ स्पेक्स सामने आई हैं। कह रहे हैं इसमें 6.4 इंच की स्क्रीन मिलेगी, 3 GB RAM, 32 GB स्टोरेज, 13+5+2 MP का कैमरा, बैक पैनल, फिंगरप्रिंट सेंसर, 5000 mAh की बैटरी, और ये नेक्स्ट वीक लॉन्च हो रहा है। तो प्रोसेसर का कुछ आया नहीं, मेरे हिसाब से कुछ सस्ता सा ही प्रोसेसर होगा क्योंकि इतना बढ़िया नहीं देते मिड रेंज में सैमसंग वाले। बाकी देखते हैं अगले हफ्ते तक पता चल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की तो रेडमी का एक 3C सर्टिफाइड सामने आया है 22.5 वॉट का। ये मैंने 1-2 दिन पहले भी बताया था, 3C सर्टिफाइड हो गया है, उसका सर्टिफिकेट सामने आ गया है। ये हो मोस्ट प्रोबेबली कह रहे हैं पहले कहते रेडमी नोट 9 हो सकता है, मगर ये आज आया है कि एक 4G फोन का सर्टिफाइड है, मतलब 5G नहीं होगा। तो रेडमी नोट 9 नहीं हो सकता, ये रेडमी 9 हो सकता है जो रिसेंट जल्दी आने वाला है हीलियो G80 के साथ एज पर लीक्स। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो Honor 30S आज लॉन्च हो गया और उनके साथ लॉन्च किया है एक हुआवे ने अपना न्यू मिड रेंज प्रोसेसर Kirin 820, जो हाँ ये 5G प्रोसेसर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है। इस टाइम मिड रेंज में है स्नैपड्रैगन 765 और आप कह सकते हैं MediaTek का Tiana 800 1000L, और ये तो उनके कंपैरेटिवली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। होपफुली ग्लोबली भी आए, 810 ग्लोबली नहीं आया जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। देखते हैं इसका कब तक अगर आता है या नहीं आता। Honor 30S की बात की जाए तो ये 2400 yuan से शुरू होता है, 8GB वेरियंट 128GB स्टोरेज के साथ, 6.5 इंच की IPS LCD स्क्रीन मिलती है, 20x9 450 nits ब्राइटनेस मिलती है, HDR10 को सपोर्ट करता है। साथ में मिलेगा आपको 90.3% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, 64+8 MP का टेलीफोटो, 8 MP अल्ट्रा वाइड और 2 MP का मैक्रो कैमरा रियर पैनल में, 3x ऑप्टिकल जूम, 5x हाइब्रिड जूम और 20x डिजिटल जूम सपोर्ट करता है। 40 वॉट का फास्ट चार्जर दिया गया है इसके साथ, 70% चार्ज करता है 30 मिनट्स में और 4000 mAh की बैटरी है। प्राइस के हिसाब से मुझे स्पेक्स काफ़ी बढ़िया लग रही है, प्रोसेसर बहुत स्ट्रॉन्ग है। लोग इसे कंपेयर करें K30 के साथ जो 5G वाला वेरिएंट था जो 2000 से शुरू हुआ था, और वो भी अगर इसका 8GB वेरिएंट देखते तो वो भी 2400 yuan का है। तो स्नैपड्रैगन 765G Kirin 820, अगर प्रोसेसर के हिसाब से देखा जाए तो Kirin 820 ज़्यादा बढ़िया है। इसमें भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, इन डिस्प्ले नहीं मिलता। तो फोन काफ़ी बढ़िया लॉन्च किया है, देखते हैं इंडिया में आता है नहीं। साथ में इन्होंने एक और फोन लॉन्च किया है Honor 9 है जो 900 yuan से शुरू होता है, MediaTek का प्रोसेसर है, 5000 mAh की बैटरी है, 6.3 इंच का, मुझे कुछ ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो लास्ट न्यूज़ की बात की जाए तो Oppo Reno Ace 2 जो भी कह सकते हैं क्योंकि कह रहे हैं ब्रैनों से अलग हो जाएगा। Ace 2 की बात की जाए 185 ग्राम का ये फ़ोन होगा। इसका लुक सामने है जो काफ़ी प्यारी लग रही है, सेम लग रही है Redmi K30 Pro की तरह, और कह रहे हैं
उसमें मिलेगा आपको 4000 mAh की बैटरी, प्लस मिल सकता है मीडियाटेक 1000 वाला प्रोसेसर। ये पहला फोन हो सकता है जो मीडियाटेक का यूज हो, क्योंकि पहले हम कह रहे थे इसमें स्नैपड्रैगन 865 होगा, मगर आज एक लीक आई है जिसमें कह रहे हैं शायद ये मीडियाटेक का यूज कर सकते हैं प्रोसेसर टियाना 1000, जो अभी तक यूज नहीं हुआ। 5G प्रोसेसर ओप्पो रेनो 3 में यूज हुआ था मीडियाटेक का टियाना 1000L, जो काफी बढ़िया प्रोसेसर था, बढ़िया प्राइस पे होता। तो देखते हैं ये नेक्स्ट मंथ आने के चांसेस हमें पता चल जाएगा। लास्ट न्यूज की बात की जाए तो पोको की आज मीट थी, उन्होंने उसमें बताया कि पोको F2 को थोड़ा टाइम लगेगा, अभी ये पुराने यूनिट्स पे काम ज्यादा कर रहे हैं। साथ में पोको का TWS मतलब ट्रू वायरलेस स्टीरियो एयरफोन्स आ सकते हैं जल्दी, जो काफ़ी बढ़िया होंगे। तो देखते हैं क्या होता है। रेडमी K30 Pro या पोको X2 Pro करके लाते हैं जैसे मैंने कल की टेक न्यूज़ में बताया था, या कुछ कमाल और करते हैं। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही, बढ़िया लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।